साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN24 पर। और इस समय मैं रविंद्र डांगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हरियाणा के अम्बाला कैंट से, अम्बाला छावनी से। जी आपको बता देते हैं, काफ़ी दिन से NH-44 के ऊपर जो ये फ्लाईओवर बन रहा था, जहाँ से आप मेरे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं जो कैमरे में कैद किए गए महत्वपूर्ण पल है, फ्लाईओवर बनाया गया, जिस फ्लाईओवर से आज जो रेल का परीक्षण है, रेल का आवागमन है, वो मालगाड़ी के द्वारा चेक किया गया। पुल की कैपेसिटी कितनी है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इंजीनियर के द्वारा सही बनाया गया या नहीं बनाया गया, वो तमाम चीज़ें बनाने के बाद उसका परीक्षण किया जाता है, ताकि वो भविष्य में एक अच्छा पुल साबित हो और कोई किसी प्रकार की हानि ना हो। तो उसके लिए आप देख सकते हैं आज तस्वीरों के माध्यम से अम्बाला कैंट के जो NH-44 है उसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाया गया है, उस पर जो मालगाड़ी है सबसे पहले वो लेकर के जाई जा रही है, ताकि इसकी कैपेसिटी, इसकी डेंसिटी, सब चीज़ें जो हैं को पुल की कितने बोझ भार उठा सकते हो, सारी चीज़ें चेक की जा रही है। बट एक छोटी सी बात और है, खुशी की बात है कि रेल जो है दिन प्रतिदिन भारत के अंदर ग्रोथ करते जा रही है। लेकिन एक सोचने की विषय, जो गाड़ी आप देख रहे हैं मेरे सामने आई टन गई है, नीचे NH-44 है, ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, लेफ्ट साइड में डिवाइडर देखिएगा वो टूटे हुए हैं, नीचे खड्डा देखिएगा NH-44 के नीचे, वो खड्डा हो रखा है जहाँ से लोग आराम से जा रहे हैं कैमरे के अंदर तस्वीरें कैद की गई है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी डिपार्टमेंट से निवेदन रहता है कि जो भी ये नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं उनकी देखरेख का ध्यान रखा जा सके, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि जो गड्ढा आप मेरी तस्वीरों के अंदर देख रहे थे, यहाँ पर काफ़ी लोग आराम से चल रहे हैं, गाड़ी स्लो करनी पड़ती है क्योंकि नेशनल हाईवे है, एक्सीडेंट का डर रहता है। डिवाइडर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने डिवाइडर भी टूटा हुआ है, तो इनकी मरम्मत जो है वो समय समय पर की जानी चाहिए। तो ये हमारी अपील रहेगी आप सभी साथियों से, किस खबर को शेयर करिएगा। एक अच्छा कार्य ज़रूर है कि अब जो फ्लाईओवर के ऊपर से जो रेल है वो गुजरेगी, एक महत्वपूर्ण नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ी सी सोचने का विषय ये भी है कि ऊपर से इतना अच्छा कार्य किया जा रहा, नीचे जो सड़क है उसकी सिचुएशन कहीं ना कहीं दयनीय है। तो प्रशासन से गुजारिश रहेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से गुजारिश रहेगी कि नेशनल हाईवे पे खास करके कहीं पर भी अगर कोई गड्ढा हो, कहीं पर कोई डिवाइडर टूटा हुआ हो, तो उनको तुरंत ठीक कर देना चाहिए, ताकि किसी की कोई एक्सीडेंट के कारण कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए सामने डिवाइडर टूटा हुआ है सामने, और वो रेलगाड़ी जाती नज़र आ रही है, और वो देखिए मालगाड़ी का सफल परीक्षण, ये देखिएगा तस्वीरों के अंदर। मेरी आप सभी साथियों से भी रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आपको कैसा लगा ये दृश्य कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। तस्वीरें देख रहे हैं जेल 24 पर, रविंद्र टांगी के साथ हम वाले।